नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच में। आप देख रहे हैं धर्मज्ञान और मैं हूँ आपके साथ विशाल शुक्ल। प्रिय दर्शकों, पूर्व के कुछ अंकों से हम चर्चा कर रहे हैं लक्षण विज्ञान के ऊपर, सामुद्रिक शास्त्र के ऊपर। उसी क्रम में आज हम आपके कानों की बनावट, इंसान के जो कान होते हैं उनकी बनावट किस तरह की है, इसके आधार पर जानेंगे, ये समझेंगे कि आपका आने वाला भविष्य कैसा होगा और आप अपने जीवन में किस तरफ या कितनी ऊंचाइयों तक जा सकेंगे। प्रिय दर्शकों, कान लक्षण विज्ञान में एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कभी आपने कानों को देखा होगा, कुछ लोगों के कान बड़े बड़े से होते हैं, कुछ के कान जो होते हैं वो लटके लटके टाइप के होते हैं, नीचे का ऐसा लटका होता है, कुछ लोगों के कान बहुत छोटे होते हैं और कुछ के कान बड़े जैसे हाथी के कान होते हैं उस टाइप के आकार लिए हुए होते हैं। तो अलग अलग कानों की बनावट इस बात की सूचना देती है कि आपका भाग्य कैसा है, आपके जीवन में उन्नति, तरक्की और प्रगति कितनी होगी। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कई लोगों के कान जो चौड़े होते हैं, चौड़ाई बहुत लिए होते हैं, ऐसे लोग सामान्यतः भाग्यवान होते हैं। जिनके कान आप चौड़े चौड़े देखेंगे ऐसे लोग सामान्यतः भाग्यवान होते हैं। ये बात एक अलग है कि शुरुआती जीवन काल में इनको थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, करीब 18-20 साल की उम्र तक। उसके बाद इनके जीवन में विविधताएं आनी शुरू होती है, इनका जीवन धीरे धीरे करके उन्नति और प्रगति के पद पर अग्रसर होता हुआ चला जाता है। कई लोगों को आपने नोटिस किया होगा जिनके कान लंबे होते हैं, ऊपर से भी लंबे और नीचे से भी लंबे। ऐसे व्यक्ति धनवान, कर्तव्य परायण, यानी कि जो भी काम हाथ पे लेंगे उसको 100% पूरा करेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कभी अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे उनके अंदर कि उनके अंदर लक्ष्य को प्राप्त करने की चाहत और महत्वाकांक्षा बहुत ज़बरदस्त होगी। ऐसे व्यक्ति को कोई भी आप काम दीजिए वो निश्चित रूप से उसको सफलतापूर्वक पूरा करेगा। ऐसे व्यक्तियों के अंदर कहीं कहीं पे अहंकार की भावना भी जन्म ले लेती है, कहीं कहीं पे ऐसे व्यक्ति अहंकारी भी हो जाते हैं। उसका कारण सीधा सीधा ये होता है कि वो हर चीज़ में अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, हर चीज़ में अपने आप को आगे रखते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर अहंकार की प्रवृत्ति भी जागृत हो जाती है, जो कि उनके लिए ठीक नहीं है। अगर वो अपने अहंकार को नहीं त्यागेंगे तो भले ही उनको सारी चीज़ें प्राप्त हो जाए, लेकिन उनको जो व्यक्ति एक मानसिक सुख मिलना चाहिए वो सुख जीवन में कभी नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनके कान के नीचे का जो हिस्सा होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये मांसल होता है, गुदगुदा टाइप का होता है, लंबा सा होता है। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बेहद बुद्धिमान। आप उनसे किसी भी चीज़ के ऊपर डिबेट करने बैठ जाइए, वो हर क्षेत्र की जानकारी कुछ ना कुछ अपने पास रखे होंगे। ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान तो होते ही हैं, ज्ञानवान नीतिवान भी होते हैं, लेकिन कभी कभी गलत आदत और गलत संगत के चक्कर में ये अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को चौपट कर डालते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर शुरुआती जीवन काल जो इनका होता है, यानी कि ये मान के चले शुरुआत में 35-40 साल की उम्र तक इनको थोड़ा बहुत संघर्ष जरूर देखना पड़ता है, लेकिन उसके बाद ये जीवन में विशेष ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। धन, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सभी इनके पास पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, ऐसा देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को भगवान गणेश की आराधना आज जीवन करनी चाहिए। भगवान गणेश के मंदिर में बुधवार को जाके उनको धूप घास अर्पित करनी चाहिए, साथ ही साथ ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप नित्य प्रातः करना चाहिए। तो इससे इनकी बुद्धि सही रहेगी, ये एक सन्मार्ग में चलेंगे, गलत आदत गलत संगत से ये दूर रहेंगे। प्रिय दर्शकों, कई लोगों को आपने देखा होगा जिनके कान बहुत छोटे छोटे से होते हैं, या कई लोगों को आपने ऐसा भी देखा होगा कि जन्म से ही उनके कान में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, कोई कान छोटा है, कुछ दिक्कत है, कहीं कटा हुआ है। ऐसे लोग के जो जीवन होता है, ये मान के चले कि ऐसे लोग की बुद्धि, जो लोग ऐसे इस लक्षण को लिए हुए होते हैं वो शीघ्र कुपित होने वाले, जल्दी कुपित यानी कि जल्दी गुस्सा हो जाएंगे। इनके अंदर सोचने समझने की शक्ति तो भरपूर होती है, लेकिन ये हमेशा अर्थ का अनर्थ निकालते हैं।
होगा कुछ और, कहेंगे कुछ और, अर्थ निकलेगा कुछ और। तो इनको अपनी इस चीज पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे लोगों को जितना हो सके काले रंग से परहेज करना चाहिए। काला रंग या नीला रंग भी काफ़ी हद तक देखें तो नीला और काले रंग से इनको परहेज करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को गलत आदत में मांसाहार मद्यपान से जीवन पर्यंत दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को जितना हो सके देवी की उपासना करनी चाहिए। माँ दुर्गा की करें, माँ काली की करें, माँ लक्ष्मी की करें, देवी की उपासना करें। साथ ही साथ ऐसे लोग सिद्ध कुंजिका स्तोत्र इसका पाठ करें, नित्य एक बार कर लें, चाहे सुबह के समय कर लें, चाहे शाम के समय कर लें, नित्य एक बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से इनकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, ये गलत आदत गलत संगत में नहीं पड़ेंगे और सन्मार्ग में चलते जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप एक समय के बाद 25-30 वर्ष के बाद में इनका जीवन रास्ते पर आएगा और ये व्यवस्थित होते हुए अपने जीवन काल में चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जन्म से ही कान में कोई ना कोई दिक्कत है, कभी कभी कम सुनाई दे रहा है या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चा सुन ही नहीं पा रहा है, ऐसी दिक्कतें भी कान में देखी जाती हैं, या कान की बनावट ठीक नहीं है, आड़ा टेढ़ा, जन्म से ही आड़ा टेढ़ा कान है। तो इस तरह के जो लोग हैं उन ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में संघर्ष बहुत देखना पड़ता है। एक तो वो अपने आप से ही प्रताड़ित कि वो ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं या पूरी बात समझ नहीं पा रहे हैं, उसके बाद जब इस तरह के लक्षण देखने में आते हैं तो उनको अपने आप से ही संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष का सामना जीवन पर्यंत उनको करना पड़ता है, ऐसे लोगों को देखा गया है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा और बहुत सुखद नहीं होता है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन औसत दर्जे का होता है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, ठीक ठीक। ऐसे लोगों को भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, शनिवार की शाम को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए ताकि उनके जीवन में चला आ रहा संघर्ष कम होता हुआ चला जाए। ऐसा करने से उनको लाभ भी होगा, ऐसा करने से उनके जीवन में जो अव्यवस्थित जीवन है, जो अव्यवस्थाएं हैं, वो धीरे धीरे करके समाप्त होती हुई चली जाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको कानों की बनावट उसके आधार के रूप में बताया कि आपका भविष्य कैसा होगा, आपका जीवन कैसा चलेगा। संक्षिप्त चर्चा दी है कि आने वाले समय में हम आपको दांतों की बनावट के बारे में बताएंगे कि अलग अलग तरीके की दांतों की बनावट जीवन पर कैसा प्रभाव डालती है। ये भी लक्षण विज्ञान का ही एक सूत्र है जिसको हम आपके सामने रखेंगे। तो प्रिय दर्शकों, पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति प्रदान करें। नमस्कार।